आइए हम सब मिलकर के सुरती का दिया जलाएं। अपने आप के प्रहरी बनना, ध्यानस्थ अवस्था में उतरना, अपना दिया स्वयं जलाना, अपना दीप स्वयं जलाना, इससे बड़ा एडवेंचर दुनिया का या इस जीवन का कोई नहीं है। ये सबसे ऊंचा, उच्चतम, उत्कृष्ट, उत्कर्ष एडवेंचर है। बिना भीतर के अंधेरों को विदा किए तुम कैसे बाहर के प्रकाश को, कैसे तुम बाहर के प्रकाश पुंज को स्वीकार कर सकते हो। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति, विचारों का आवागमन है। लगातार भीतर तुम एक पल के लिए भी शांत नहीं, एक क्षण के लिए भी तुम एकांत में नहीं। हर पल हर घड़ी भीतर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मन माया का खेल निरंतर बढ़ता है। आप वाच करना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। माइंड की गतिविधियों को तुम जागे जागे देखते रहना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। मैं देखने वाला, दृष्टा, साक्षी या कर्ता हूं। मुझे अपने नॉन डूइंग की स्टेट में नॉन डूअर होकर के रहना है, अकर्ता दृष्टा होकर रहना है, हमें मालिक होकर के रहना है। भीतर की गतिविधियों का मास्टर होकर रहना। ये स्वरूप जिसके हाथ लगा वो मालोमाल हुआ, आबाद हुआ। और अपने भीतर का है, जब मर्जी चाहो उपलब्ध कर लो। अपने अंतस का है, जब मर्जी चाहो तुम इसको उपलब्ध कर लो। ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता जिसने भी संभाली भीतर की, उसकी प्यास तरह दीवानगी का आलम जगने में तनिक मात्र देर नहीं लगा। संभालिए अपनी संपदा, संभालिए। बाहर की संपदाएं क्या है, मौत के हवाले होती जा रही है। भीतर की संपदा संभालिए, बाहर भी संभल जाएगा। आप भीतर संभलिए, भीतर संभालिए, बाहर सब तुम्हारा संभल जाएगा। स्वयं प्रभु तुम्हारे द्वार पर निरंतर बरसात करते चले जाएंगे। हर सुविधा, हर पॉसिबिलिटी तुम्हारे द्वार पर उतरती चली जाती है, जब तुम उसको अपना बना लेते हो, जो जीवन का मालिक है। अपनी जीवन दिशा में रहना, जागे जागे देखते रहना, मन माया की गति को लगातार देखते रहना, वाच करना, सिंपली वाच। इस प्यास तर दीवानगी के आलम में आप अधिक से अधिक भीतर रहना, अंतस में रहना, अत्यधिक रहना। अपना प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गूंजता रहे, दीवानगी का आलम निरंतर प्रवाहित रहे। जागे जागे देखते रहना, अपनी थर्ड आई में निरंतर बने रहना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना, जैसा हो रहा है उसको देखते रहना। आपने तनिक मात्र इंटरफियर नहीं करना। आप अपने स्वभाव में रहिएगा, अपने स्वभाव की नियति में निरंतर बने रहना। इस संगीतमय साधना में भीतर का हर पहलू, हर जर्रा, हर एक तल आनंदित होता चले। बी वॉचफुल। जो जो हो रहा है भीतर उसको तुम मौन पूर्वक जागे जागे देखते रहना। यू हैव योर थर्ड आई टू वॉच इनसाइड, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। यू सिंपली वॉच, बी वॉचफुल। अपने भीतर की
हर स्थिति को देखने में पूरी प्रायोरिटी रखना, प्राथमिकता रखना। प्यास दर्द दीवानगी का आलम जगमगाता रहे, अंधेरे अपने आप विदा हो जाती है, तमाम नेगेटिविटीज अपने आप विदा हो जाती है, अपने आप रूपांतरित होती है। जब आप भीतर जागे जागे देखते रहते हो, सब स्वतः अपने आप सही होता चला जाता है। तुम केवल मालिक का पल्लू पकड़े रखना, तेरी प्यास दर्द दीवानगी में सब सही होगा। कुछ भी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे प्रतिकूल हो। जिसने प्रभु की प्रीतम की साहिबा की उस विराट की गोद में अपना आप दे दिया, वो तो स्वतः ही गॉडली होता जाता है। और गहरा और भीतर अंतस की धरा पर बने रहना। मन के हाथ लगते ही तुम बहिर्मुखी होते हो, मन से हटते ही तुम अंतर्मुखता का तल पकड़ते हो। अंतस ध्यान की धरा पर रहना, जहां सब शांत मुदित आनंदित होता है। यू बिकम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री व्हेन यू आर इन योर ऑन ट्रू नेचर। यू बी हियर, एवरीथिंग विल बी ओके। वॉच करते रहना, सिंपली सी, सिंपली वॉच, सिंपली लुक व्हाट एवर हैपनिंग बिफोर यू इनसाइड। यू सिंपली वॉच दैट, नॉट टू इंडल्ज इन एनी कॉन्सिक्वेंसेस। यू बी न्यूट्रल ऑल द टाइम। अपने को ही देखना है, अपने आप की सुध लेना है, अपने आप का सुधार करना है। इसमें दूसरा चाहिए कौन, किसकी जरूरत है? एक वाइब्रेशन के सिवा और क्या चाहिए हमें? अपनी ना की तलाश बड़ी चूकी हुई, बरसों की एक खराब खुदा तलाश में हम। ओंकार आमीन, आमीन। सारी जग को देख के जाना, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा हमारा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना, सारी जग को देख के जाना, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन मेरे मालिक मेरे प्रभु हमारा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना, Oh,
मन की माया, झूठी है ये मन की माया। कोई किसी के काम ना खो कर हमने जाना, सब कुछ खो कर हमने जाना। तुम बिना हमारा कोई नहीं है, तुम बिना मालिक मेरे कोई नहीं, सब कुछ खो कर हमने जाना। तुम बिन हमारा कोई नहीं है गुरुवर, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सारी जग को मैंने देख के जाना, स्वयं देखा है मैंने देखा है। वाह रे वाह भर्तृहरि, गजब का नूर पिरोया तूने, गजब की सच्चाई खोला तूने, गजब का नूर पिरोया तूने। हमारा साया लगनी लगा हर
एक बेगाना। जिसे अपना समझा था, जिन जिनको अपना माना था समझा था, लगने लगा हर एक बेगाना। लगने लगा हर एक बेगाना, लगने लगा, लगने लगा, लगने लगा, लगने लगा, लगने लगा हर एक बेगाना। तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा ओ मेरे कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। लगने लगा हर एक बेगाना। लात मार दिया ग्रेटर इंडिया की महान गद्दी को, लात मार करके अपनी ललक प्यास जगाई और गुरु के द्वार पहुंच गया। सदा सदा के लिए जोत जगा दिया वहां, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कितना भी गुरु गोरक्षनाथ ने उसको लालच लोभ की दुनिया में पिरोया, परंतु वो एक पल के लिए भी हिला नहीं, एक पल के लिए भी कंप्रोमाइज नहीं, समझौता नहीं झूठ के साथ। धन्य धन्य कर दिया उसकी प्यास लगन उत्कंठा ने बाबा गोरक्षनाथ को। उसने उठकर के छाती से लगा लिया उस यंग सम्राट को, यंग सम्राट को अपनी छाती से लगा करके कहता है, धन्य धन्य है तू, तो पुनः संभला, पुनः जागा, पुनः तूने देखा अपनी नजर से, एक खुंटी नहीं, दो खुंटी नहीं, तीन खुंटी नहीं, चौथी खुंटी नहीं, तू तो अनेकों खुंटियां पैदा कर सकता था, तेरे पास क्या कमी थी ओ सम्राट। तू तो एक नहीं, हजारों हजारों नव युवतियों को सौंदर्य से ओतप्रोत नव युवतियों को अपना बना सकता था। अरे तू एक के कारण नहीं, एक नहीं, अनेकों के कारण, स्वप्न पे स्वप्न उतरे, कल्पनाओं पे कल्पनाएं उतरी, ना जाने कितने ढेरों ढेर कल्पनाओं के दौर उतरे, किंतु वाह रे वाह गुरु की कृपा ने गजब ठाया। क्या कमाल का सौंदर्य पिरोया है उस नौजवान नव युवक सम्राट ने, भर्तृहरि राजा ने। हर एक की दिशा को बदल दिया, हर इंसान की दिशा को बदल के रख दिया, हर इंसान की दिशा प्रभु की ओर मुड़ने लगी। लगने लगा हर एक बेगाना, लगने लगा हर एक बेगाना, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, सारी जग को
देख के जाना। वाह रे वाह, सम्राटों के सम्राट, गजब गजब की पुकार उठा दिया तूने। क्या नहीं कर सकता था तू, ग्रेटर इंडिया के सम्राट। तेरे को क्या कमी थी सौंदर्य की, तेरे को क्या कमी थी ब्यूटी की। हर कदम पर सैकड़ों सैकड़ों लोग कुर्बान तेरे को। भरी जवानी में ओ यंग बादशाह यंग सम्राट, तेरे को क्या कमी थी। तू अनेकों अनेकों के संग अपना जोड़ जोड़ सकता था। कितना लालच लोभ भीतर की गति में उतरा, परंतु वो किसी का शिकार नहीं बना। किसी भी कदम पर माइंड की गति में नहीं गया। बियॉन्ड माइंड की बात सुना और धन्य धन्य कर लिया। अमृत से स्वरूप पहन लिया, अमृतमय हो गया। सदा सदा के लिए आबाद हो गया, सदा सदा के लिए धन्य धन्य हो गया। क्या गजब, एक ही प्रायोरिटी, एक ही प्राथमिकता है उसके पास, गुरु कृपा, गुरु का दल, गुरु का दरवाजा, गुरु मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। क्या गजब का चुनाव किया उसने, दुनिया का सौंदर्य उसके चारों तरफ छलका, किंतु उसने सौंदर्यों में महान सौंदर्य गुरु का द्वार पकड़ा। गुरु गोरक्षनाथ के द्वार पहुंच करके उसने यही दीप जलाया। सारी जग को देख के जाना, मैंने जाना तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई का सौंदर्य पिरोया है गुरु गोरक्षनाथ के द्वार पर पहुंच करके। क्या गजब शिखर पिरोया है जिंदगी का उसने, कि उसके बरामदे में सारा जन्म गुजार दिया। उसकी प्यास लगन उत्कंठा में वो दीप जला, जीवन अमृतमय इमॉर्टल हो गया। हर कदम पर, हर दौर में, हर द्वार पर, हर एक नगमे में एक शब्द गूंजता है उसके यहाँ। हाँ ठोकर खाकर हमने जाना, ठोकर खाकर हमने जाना, ठोकर खाकर हमने जाना, ठोकर खाकर हमने जा। क्या छोटी सी ठोकर थी, क्या था ठोकर, होती छोटी सी, बहुत छोटी, न्यून। क्या अगर एक हाथ नहीं लगा, एक ने साथ नहीं दिया, एक ने ऑनेस्टी सिंसेरिटी नहीं पिरोया, ना सही, उसे ठोकर मार दो, दूसरी को ले लो, तीसरी को ले लो, चौथी को ले लो, पांचवी को, किसी खुट्टी पर तो गुजारा कर लो। नहीं, क्या गजब का नूर नूर होकर के भारत का नहीं ग्रेटर इंडिया का सम्राट कहता है। कोई अहरा गहरा नथु खहरा नहीं, ग्रेटर इंडिया का सम्राट कहता है, अनुभव बोलता, अपना अनुभव पिरो गया हम सबके लिए। ठोकर खाकर हमने जाना, तुम बिन हमारा कोई नहीं, गुरुवर तुम बिन हमारा।
हमारा कोई नहीं है, सारी जग को देख के जाना। देखकर कि गुरु ने पूरा ठनका लिया, बार बार कहा हमारा आदेश है तुम पालन करो, तुम राजपाट करो, जाओ संभालो, मैं देखूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। नहीं, अब तो मुख मोड़ करके तेरे द्वार पहुंच गया, अब वापस नहीं भेजना मुझे, अब वापस नहीं लौटाना मुझे, अब वापस नहीं जाने वाले, हम तेरे द्वार पे मिटने वाले एकमात्र पतंगे परवाने हैं, हम तेरे द्वार से अब वापस लौटने वाले नहीं हैं, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे मालिक, हम कोई दूसरा पहलू नहीं पकड़ेंगे, अब तो तेरा पल्लू तेरा पहलू पकड़ेंगे। मैंने देख लिया, यही देखते चले जाना, एक दिन मौत हो जाएगी, क्यों ना मौत से पहले पहले मालिक का दर्शन कर लूं, मैं अपने मालिक का हो जाऊं, क्या करूंगा मैं। ग्रेटर इंडिया का बादशाह कहता है, छोटी मोटी बात नहीं, ग्रेटर इंडिया का बादशाह सम्राट कहता है। क्या गजल का अनुभव लेकर के गुरु के द्वार पर आया, जरा सोचिए समझिए जानिए, क्या पहचान लेकर के आया है, हैरान कर दिया उसने, परेशान कर दिया गुरु को भी, गुरु को भी सदा सदा के लिए धन्य धन्य कर दिया। एक दिशा ऐसी पकड़ा कि चाहे उसमें कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मान सम्मान अपमान की घटनाएं घटित हो, कि तो नहीं कुछ भी हो, इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर के उत्कृष्ट उत्कर्ष शिखर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा बखान मेरा अनुभव कहता है। गुरुदेव तेरे दर से बढ़कर के दुनिया में कोई द्वार नहीं है, क्यों ना मैं इसके ऊपर अपना सर पटक दूं, अपना आप नछावर कर दूं, कुर्बान कर दूं और सदा के लिए आबादी का दौर पकड़ लूं। ठोकर खाकर दिल ने माना, दिल ने माना, दिल ने माना, ठोकर खाकर दिल ने माना, तुम बिना हमारा कोई नहीं है, तुम बिना हमारा बाबा कोई नहीं है, सारी जग को देख के जाना।